यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5/13 एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3/5 देन 10 to अल्फा. अब आप इसमें अल्फा भी फाइंड कर सकते हैं पर उससे ज्यादा अच्छा ये नहीं है जो हमने करा ट्रिग्नोमेट्री में कंसेप्ट कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा लिख लो, बीटा से बीटा कैंसिल, इसको एक टर्म ले लो, इसको एक टर्म ले लो. अब आपका ये मेंटली क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्योंकि अब आप इसमें क्या करेंगे टेन ए प्लस बी डायरेक्टली लगाइएगा. ये स्टेप ना लिखें, ये स्टेप तो मैं केवल आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ. टेन अल्फा प्लस बीटा टेन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 - tan α + β इंटू टेन अल्फा माइनस बीटा. अब टेन अल्फा प्लस बीटा आपके पास साइन है तो टेन भी है यानी 5/12 इसमें बेस नहीं है और यहाँ पर कॉस है तो 4/5 अपॉन 1 - 5/12 ये 4/3 सॉरी इंटू 4/3. एक तरह से इसका एलसीएम 12 आया तो अगर इसका एलसीएम 12 आया तो कितना जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा कितना 4 टाइम्स तो 16 अपॉन 36 - 20/12 × 3. अब देखिए 12 से 12 कैंसिल 21 × 3 = 63/16 है. दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. देखिए आपको ये पता है कि आप अलग से उलझिए मत. अल्फा माइनस बीटा अच्छा इसमें एक और चीज की बनती है कि अल्फा और बीटा जो है वो बिलोंग टू है जीरो से पाई बाई फोर के बीच में. तो यहाँ अल्फा माइनस बीटा ही मानिए ना. और ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है. 5/13 तो ये 12 आ गया, अगले में ये 3 है ये 5 है तो अपने आप ही 4 आ गया. तो ये सब छोटे छोटे टाइम जितना सेव करेंगे ये स्टेप समझाने के लिए लिखिए. डायरेक्ट वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया. नोट कर लीजिए क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. और ये क्वेश्चन भी मैंने बाइनोमियल के क्विक रिवीजन में आपको ये कंसेप्ट भी बताया था स्पेशली और बताया था कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है. मैं आप सबको बोलूंगा आप लोग क्योंकि अगली शिफ्ट के एग्जाम देने वाले इन पेपर के सॉल्यूशन जरूर देखिए, बहुत हेल्प करेंगे. द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर ऑफ एक्स. अब पावर 6 है बीच में प्लस है तो आपको पता है 2 × 6c0 x/6 + 6c2 x/4 और इसका स्क्वायर तो x³ - 1 ही मिलेगा प्लस 6c4 x² × x³ - 1 का स्क्वायर प्लस 6c6 x³ हो जाएगा x³ - 1 का होल क्यूब. अब आपको केवल इवन पावर टर्म के कलेक्शन करना है, थोड़ा ध्यान से नहीं तो मिस्टेक हो सकती है इसमें. देखिए स्टार्टिंग के जो हमने 10-15 क्वेश्चंस किए 10 वो काफी इजी थे. अब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज लेवल बढ़ेगा तो इन ऑल पेपर को देखें तो पहले वो 10-15 क्वेश्चन निकाल के लाना जो एकदम बनते हैं और पेपर को आप नंबर्स बढ़ा के चेक करके ही करिएगा, जब भी आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं. आप देखिए अब यहां पर हम समझे तो ये हो गया 2 times इवन पावर कब कब मिलेगा. एक तो इससे मिलेगा तो 6c0 लिख लिया क्योंकि x की पावर 6 है. एक इससे भी मिलेगा, इसका इससे होगा ऑड होगा इससे होगा तो मिलेगा तो -6c2 हो गया. अब प्लस अब इसके साथ कब कब मिलेगा ये देख लें तो थोड़ा लॉजिक समझिएगा. ये एक्स स्क्वायर है, आप इसका ओपन करते तो ये मिलता आपको कितना a² यानी x की पावर 6 -2x³ + 1. अब इवन पावर एक बार इससे मिला और एक बार इससे मिला यानी एक तरह से ये 2 times आ गया, 2 times of 64 आ गया. यस और नो? क्योंकि इसका भी मिलेगा और इनका कोफिशियंट 64 कॉमन है तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि 2 times 64 + 64. अच्छा 64 की वैल्यू 62 के इक्वल होती तो एक कैंसिल भी हो जाएगी. अब इससे इवन पावर कम मिलेगा, अगर मैं इसका ओपन करूं तो a³ तो x³ का क्यूब यानी पावर ऑड हो जाएगी. माइनस जब आप अगला करेंगे तो माइनस मिलेगा आपको 3x³ का स्क्वायर, ये इवन पावर हो गया. फिर प्लस में आपको मिलेगा ऑड और फिर माइनस मिलेगा 1. इसका मतलब आपको एक मिला -3, एक मिला -1. अब हम जरा देखें तो 2 times of इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 15, ये -3, ये -1 राइट. अब एक तरह से 16 - 4 = 12, 12 × 2 = 24 यानी 24 इज अ राइट आंसर. इस क्वेश्चन में मिस्टेक की बहुत पॉसिबिलिटी थी, बहुत केयरफुल होके करिए. इवन एक्स की पावर जो उनका कोफिशिएंट पूछा इससे डायरेक्ट मिल गया, इससे इसके साथ मिला, इससे इसका 2 बार मिला और इसमें इसका एक ही मिला राइट. तो जो जो मिल रहा है टर्म वो टर्म को आप लिख लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. नोट कर लीजिए क्वेश्चन. यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई (x²+3x) 0 से 4 और 0 से 3. इसका मतलब एक तरह से आपको y = 0, y = 4,
x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू थ्री, और इसको इक्वल मान के करा जाता है, ये आपने पढ़ा हुआ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, चाहे तो इसकी परफेक्ट स्क्वायरिंग कर लीजिए, थ्री एक्स है तो टू एक्स के बाद जो बचे यानी नाइन बाय फोर ऐड कर दो, नाइन बाय फोर इधर भी ऐड कर दो, एक तरह से ये x प्लस थ्री बाय टू का होल स्क्वायर हुआ, और ये हुआ y प्लस नाइन बाय फोर, यानी इसका अगर हम कर्व बनाए तो कर्व में एक चीज समझ में आ गई कि एक तो वर्टिकली अपवर्ड तो होगा और कर्व का जो वर्टेक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, राइट, और ओरिजिन से जा रहा है क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कुछ इस ढंग का कर्व हो सकता है, ऐसा कर्व होगा, राइट। अब समझिएगा इसके अलावा जीरो टू फोर वाई की वैल्यू दी है, वाई जीरो एक्स एक्सिस पर होगा, ये फोर हो गई, ये लाइन हो गई जीरो टू फोर, और ये पॉइंट है जहां पर y की वैल्यू 0, 4, अब यहां पर x कितना ये एक चीज देखनी पड़ेगी, और x इक्वल टू 0 से ये 3 तक बोला है तो 3 मान लीजिए यहां कहीं होगा, राइट, इस तरह का कुछ कर्व बनेगा। अभी हम देख लेते हैं, अगर मैं y की ठीक वैल्यू 4 रख दूं तो x कितना मिलता है वो देख लीजिए, 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इंटू x माइनस 1, यानी ये मिलेगा 1, 1, 0, तो इसका मतलब ये हो गया 3, 0, राइट। अब ये लेंथ आपको पता है 4 है, ये लेंथ आपको पता है 2 है, तो इस वाले बॉक्स का एरिया तो हमें समझ में आ गया 4 × 2 = 8 है। अब केवल ये एक पार्ट है जिसका एरिया हम किससे निकालेंगे, कर्व से, तो क्या करोगे 0, 2, 1 में केवल इस कर्व को इंटीग्रेट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx इमीडिएटली हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, ये सब कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं आपने, देखिए अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से पेपर करते तो मैं श्योर हूं आप बहुत अच्छा कर सकते थे, 1/3 + 3/2 तो ये हो गया 2 + 9 यानी 11/6, 11/6 प्लस ऑफ 8 ये मत भूलना, तो 11 + 48/6 यानी 59/6 इज आ राइट आंसर, 59/6 इज आ राइट आंसर, एक बार फिर समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले तो इस कर्व के जो वर्टेक्स थे वो ये थे, अच्छा जिस कर्व में एरिया अंडर कर्व में सारी चीजें बताइए, कांस्टेंट टर्म नहीं होता वो हमेशा ओरिजिन से पास होता है, ये हो गया। अब ये 0 to 4 की लाइन हो गई, ये 0 से 3 की लाइन हमने बना लिया, अब ये पॉइंट y की वैल्यू 4 रख के x निकाल लिया, तो 0 to 1 < 2 का मतलब बिलो होता है, बिलो द कर्व एरिया, तो ये एक एरिया निकाला पैराबोला से, ये क्योंकि रेक्टेंगल है तो पैराबोला वो एरिया अंडर कर्व की जो होती है सीधा आपने उसका एरिया निकाल के ऐड कर दिया, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट जी एक्स इक्वल टू एल एन एक्स एंड एफ एक्स इक्वल टू 1 - x cos x / 1 + x cos x पूछा, देन जी एफ एक्स माइनस 5/4 + 5/4। सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी ये प्रॉपर्टी दी हो आपको, मैंने डेफिनेट इंटीग्रल में चीज बताई हो कि जब भी ये प्रॉपर्टी दी हो तो जीरो भी हो सकता है, 2 × 0 = 2 ए भी हो सकता है, ये इवन के लिए है, ये ऑड के लिए, जब भी लॉग आता है तो केयरफुल होना है, क्योंकि आपको याद होगा किस तरह का क्वेश्चन हमने पढ़ा था, लॉग 1 - x / 1 + x, दिस इज प्योरली ऑड फंक्शन, क्या नाम से इंटीग्रल जीरो होता है। अच्छा यहां पर देखिए कॉस इवन है, पर यहां एक्स दे के, कॉस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक्स दे के एक तरह से यही है। अगर मैं आपसे अलग से पूछूं कि जी एफ एक्स क्या होगा तो आप यही बोलते हैं ना, जी एफ एक्स मतलब एल एन एक्स के प्लेस में 1 - x cos x / 1 + x cos x, ये एक नया फंक्शन बन गया एक तरह से, मान लीजिए यू एक्स जैसा, तो ये ऑड फंक्शन है क्योंकि माइनस रखेंगे तो प्लस और ये माइनस, तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रल इस फॉर्म में कितना होता है, जीरो। यानी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना था, ये क्वेश्चन मैंने बताया था और आपको मैंने बोला था कि आप एक बार अच्छे से फाउंडेशन कर लो जो पढ़ाया मैंने, आपको एक भी क्वेश्चन हटके नहीं आएगा, और सबसे खास बात यह कि सब सिमिलर क्वेश्चन ही मिले हैं आपको, कहीं कोई हटके क्वेश्चन नहीं आया, ये इस तरह का क्वेश्चन था, कॉस से कोई कॉस होने की वजह से ये ऑड है ये इवन है, पर ओवरऑल रिजल्ट क्या है, ऑड, तो इसका मतलब ये ऑड फंक्शन होने से रिजल्ट विल बी जीरो, राइट, नोट दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ मीन एंड वेरियंस ऑफ 7 आइटम आर, 7 आइटम्स के मीन एंड वेरियंस या वेरिएबल के दिए 8 and 16, मीन एक्स और वेरिएंस दिया हुआ है 16, ओके, एंड 5 ऑफ देम आर, उसमें 5 ये हैं 2, 4, 10, 12 and 14, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग 2, रिमेनिंग 2 मतलब x और y मान ले, तो इन सब का सम, यानी आपको x प्लस y प्लस डायरेक्टली ऐड करते हुए चलेगा 26, 30, 40, 42 अपॉन 7 इक्वल टू 8, यानी ये 56, तो x प्लस y इक्वल टू 40।
अब इनका प्रोडक्ट पूछा है, यानी x इंटू वाई पूछा है। मान लीजिए 7-7 होता तो 49, 8-6 होता तो 48, 9-5 होता 45। मतलब ऑप्शन हेल्प नहीं करेंगे, यानी हमें दूसरे ऑप्शन पे, मतलब हमें दूसरे मेथड पे जाना पड़ेगा। वेरियंस क्या होता है? वेरियंस होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो आप। अब ये कितना दिया है? 16 इक्वल टू इनके स्क्वायर का सम ऐड करिए, तो मेंटली करने की कोशिश करिए, 196, 144, 100 एंड 16 इसमें ऐड कर दीजिएगा, 16 प्लस ऑफ 4 इसमें ऐड कर दीजिए, देखिए 200, ये 100, 300 हो गया, ये 150, 160 हो गया, यानी 400, 460 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 7 माइनस ऑफ 64, का मतलब ये हो गया 80 इंटू 7 इक्वल टू 460 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट? यानी एक तरह से ये हो गया 8 7 56 560, यानी 100, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें मिल गया 100, राइट? अब 7 7 49 होते हैं उनका स्क्वायर, तो ये खत्म। अब 8 इंटू 6 8 प्लस 6 14 भी होता है, और इसका स्क्वायर 64 प्लस 3600, दिस इज द राइट आंसर। 95 नहीं हो सकता था, ऐसे ही 10 और 4 भी नहीं हो सकता था, यानी आप इस स्टेप के बाद जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 100 आया, आपको समझ में आ गया कि एक टर्म 8 होगा, एक टर्म 6 होगा, और वो उसका सम भी 14 है, राइट? तो बाकी इसके बाद तो सिंपल है, आप इसको चाहे तो डायरेक्ट कर लेते, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 100, ये दिया है 14, तो 196 माइनस 2xy इक्वल टू 100, राइट? तो आप इससे भी निकाल सकते थे, पर उसके बिना भी इजीली बता सकते हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन।